हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, बात करते हैं दयालबाग यूनिवर्सिटी में जो टोटल सिलेक्शन कैसे होता है, टोटल मार्क्स कितने होते हैं और सिलेक्शन फाइनली कैसे होता है, आपका एडमिशन सीट कैसे पक्की होती है, उसके बारे में आज इस वीडियो में आपसे चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपने अपने स्पोर्ट्स वगैरह के सर्टिफिकेट अपलोड कर ही दिए होंगे, और जो कि इस चीज़ की लास्ट डेट जो है वो 20 तारीख रखी गई है दयालबाग के द्वारा। तो 20 तारीख तक आप अपने जितने भी आपके पास स्पोर्ट्स से संबंधित डॉक्यूमेंट वगैरह या फिर NSS या फिर NCC से संबंधित जो भी आपके पास एक्स्ट्रा एक्टिविटी के डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, तो वो आप उनको सबमिट कर सकते हैं। अगर मोबाइल पे टेक्निकल एरर आ रहा है तो आप साइबर कैफे जाके अथवा अपने लैपटॉप वगैरह से उसको अपलोड कर सकते हैं। ओके दोस्तों, बात करते हैं यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम, जो कि टोटल एंट्रेंस एग्जाम में 120 नंबर होते हैं, यानी कि 120 मार्क्स का आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है। तो आप उसमें से ज़्यादातर एवरेज स्टूडेंट जो होते हैं वो मुश्किल से 44 या फिर 50 के समथिंग स्कोर कर पाते हैं, इतने सिंपल एंट्रेंस एग्जाम होने के बावजूद। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट इस एंट्रेंस एग्जाम में 17 से लेके 18 या 85 प्लस नंबर लेके आता है, तो उसको काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे एकेडमिक मेरिट की, जो कि आपके 10th, 12th एंड अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन में अप्लाई किया है तो आपके बेसिकली आपके जो ग्रेजुएशन के मार्क्स होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो दोस्तों, आपके 10th के मार्क्स, 12th के मार्क्स एंड ग्रेजुएशन के मार्क्स, इन तीनों को 2 से डिवाइड करके करने के बाद एक कट ऑफ आता है, उसको इसमें इंक्लूड किया जाता है, जिसके मार्क्स इसमें जोड़े जाते हैं, तो प्लस आपके एंट्रेंस एग्जाम के मार्क्स, उसके बाद आपके एकेडमिक मार्क्स, और इन दोनों को जोड़ने के बाद एक और मार्क्स आपके इसमें इंक्लूड किए जाते हैं, जो कि हमारा 20 नंबर का होता है। तो फिजिकली जो हमारे 20 नंबर का होता है वो हमारा वाइवा होता है, इंटरव्यू जिसको बोलते हैं, परफॉर्मेंस, कैंडिडेट की परफॉर्मेंस के आधार पर वो कुछ बेसिकली आपसे आपका इंट्रोडक्शन वगैरह पूछते हैं, जो कि आपको पूछा होगा अच्छे से, आपको पता होगा आपको क्या क्या पूछा है, उसके आधार पर आपने बता पाया या नहीं बता पाया है, उसके आधार पर आपकी पर्सनालिटी को जज करने के बाद वो आपको नंबर देते हैं, जो कि 20 नंबर से आपको मिलते हैं दोस्तों। तो प्लस आपके वो 20 नंबर इसमें जुड़ जाते हैं, और 20 नंबर जुड़ने के बाद अगर आपको उसमें से कुछ भी मिलता है तो वो आपको पता होगा कि आपका इंटरव्यू कैसा गया, उस आधार पर आपके नंबर आते हैं। उसके बाद आपको एक्स्ट्रा कैलकुलेट के यानी कि एक्स्ट्रा एक्टिविटी के जो नंबर मिलते हैं, जैसे कि अभी डॉक्यूमेंट अपलोड चल रहे हैं, उसके नंबर 10 नंबर होते हैं टोटली, तो मिनिमम कैंडिडेट को 4 या 5 नंबर ही उसमें से दिए जाते हैं। तो उस नंबर को 10 नंबर का वो हो गया आपका टोटली, अब आपने देख लिया होगा हमारा 160 नंबर का टोटली मेरिट बनता है। उस 160 नंबर के टोटली मेरिट में से आपका सिलेक्शन होता है दोस्तों, और फिर आपका एक फाइनल आता है। अब बात करते हैं किस किस को बेनिफिट मिलने वाला है, जैसा कि ST कैटेगरी, SC कैटेगरी, OBC कैटेगरी एंड जनरल कैटेगरी में EWS कैटेगरी वाले जो स्टूडेंट हैं उनको इसमें छूट मिल जाती है। तो उन कैंडिडेटों को जनरल कैंडिडेटों के मुकाबले काफ़ी छूट मिलती है, तो उनका सिलेक्शन बेसिकली इसमें जल्दी हो जाता है एडमिशन के लिए। फिर बात करते हैं जो स्टूडेंट सीट छोड़ देता है, उसकी सीट जो छोड़ता है उसकी सीट पर जो वेटिंग में है, जिसका नंबर नहीं आता है, वो स्टूडेंट अपना सीट रिजर्व कर सकता है। ओके दोस्तों, आपको जानकारी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, एंड सब्सक्राइब करें चैनल को, जिससे कि आपको DI वो अदर ऑल इंडिया लेवल पर जितनी भी यूनिवर्सिटियाँ हैं उनकी एजुकेशन के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। ओके दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से आपको तमाम यूनिवर्सिटियों की जानकारियाँ मिलती रहेंगी टाइम टू टाइम, इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके फ्रेंड्स, दयालबाग का ये हेल्पलाइन नंबर है, आप इस पर बात कर सकते हैं, और अपनी कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप उसका समाधान पा सकते हैं। ओके दोस्तों, मैं आपको जल्द बताऊंगा आपका रिजल्ट कब आउट होने वाला है, आप वेट करें, क्योंकि 20 तारीख के डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद आप